ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। ये कार्यक्रम पुणे के ससून अस्पताल में हो रहा था। जिस समय ये घटना घटी उस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी स्टेज पर मौजूद थे। बीजेपी विधायक द्वारा पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़े जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार सुनील कांबले स्टेज से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान वह अपना बैलेंस खो देते हैं, जिसकी वजह से नाराज हो जाते हैं। वहां पास में खड़े सादे कपड़े में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद विधायक और पुलिसकर्मी के बीच कुछ देर तक बातचीत भी होती दिखती है। सुनील कांबले पुणे कैंट से बीजेपी के विधायक हैं। पुणे के अस्पताल में शुक्रवार को आयोजित किए गए इवेंट में कई मंत्री भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम अजीत पवार के अलावा मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ, सांसद सुनील तटकरे और अन्य नेताओं की कार्यक्रम में मौजूदगी थी। पुणे पुलिस ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी बंड गार्डन पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ऐसी खबरें हैं कि कांबले इस बात से नाखुश थे कि कार्यक्रम के निमंत्रण पर और कार्यक्रम के मंच पर उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया था, जबकि वे स्थानीय विधायक हैं। वायरल वीडियो के बारे में पूछे जाने पर विधायक ने कहा, मैं उनके साथ मारपीट क्यों करूंगा, मैं उसे नहीं जानता और मेरे पास उन्हें थप्पड़ मारने का कोई कारण नहीं है। जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा था तो वो मेरे ऊपर गिर गया, तो मैंने उसे धक्का दे दिया। वहीं कांबले ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पुणे कलेक्टर राजेश देशमुख से स्पष्टीकरण मांगा था कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद कार्यक्रम के निमंत्रण पर उनके नाम का जिक्र क्यों नहीं किया गया।